आपका क्या काम है? लाइटनिंग करना है तो यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्यों नहीं है? तुम्हें नहीं पता, तुम भी छोड़ दो। देवघर सदर अस्पताल ने तय कर लिया है, हम नहीं सुधरेंगे चाहे जो हो जाए। वहीं देवघर के डीसी ने कहा सुधार देंगे चाहे जो हो जाए। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन सदर अस्पताल अपनी कारगुजारी और बद इंतजामी की वजह से सुर्खियों में रहता है। सावन को छोड़ दें तो बाकी के 11 महीने भगवान भरोसे ही अस्पताल है, लेकिन देवघर में जब से डीसी नैन्सी सहाय एक्शन में आई हैं, तब तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि अस्पताल का हाल चाल लेने देर रात पहुँच जाएंगी। वही जब वे अस्पताल में पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। डीसी ने एक भी विभाग नहीं छोड़ा, दरवाजा खुलवा कर हालात का जायजा लिया। इम्प्रूवमेंट का काफी स्कोप है और सभी लोग अपनी ड्यूटी पे सर समय आए और रिसोर्सेज की यहाँ कमी है डॉक्टर्स की, लेकिन जो चीजें हैं वो भी पूरी तरह सही रूप से संचालित नहीं है। तो एटलीस्ट खास तौर पे जो आयुष्मान योजना है और बाकी जो फैसिलिटीज यहाँ पर है, साफ सफाई, खाना पीना जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम लोग ठीक करें। तो वही एक इंटेंशन था, एक नॉर्मल सा, एक रैंडम। खामियां क्या कहेंगे? खामियां साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए हमने डीएस को कहा है कि जो एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है खाने को लेकर और साफ सफाई और आयुष्मान भारत के लिए जो ऑपरेटर्स बिठाने हैं और बाकी जो एक्सरे और डायग्नोस्टिक के एजेंसीज हैं, जो भी आउटसोर्सिंग वाली एजेंसीज हैं उनका कार्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। तो उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंटेटिव है उनको कल बुलाया है, एक बार उनसे बात करके उनको दिशा निर्देश देंगे। वहीं देवघर सदर अस्पताल के लिए मशहूर जुमला हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन डीसीपी साहिबा ने जिस तरीके से सदर अस्पताल का निरीक्षण किया उससे लगता है कि सुधरोगे नहीं तो हम सुधार देंगे। देवघर से न्यूज के लिए नीरज की रिपोर्ट।